के बारे में। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के बारे में उल्लेख किया गया है कि इस दिन पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में एक बहुत ही खास महत्व होता है। जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसको ही सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या अनंत फल देने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में इस व्रत का खास महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान, दान करना, पूजा पाठ करना फलदायी माना गया है। महिलाएं घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। साथ ही घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, धन की प्राप्ति के लिए भी इस दिन खास उपाय किए जाते हैं। पति और संतान की दीर्घायु के लिए इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं। 30 मई दिन सोमवार के दिन इस बार फिर से सोमवती अमावस्या लगने जा रही है। इस दिन अगर आप कुछ खास उपाय, शास्त्रों में बताए गए कुछ खास उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि व शांति अवश्य आएगी। साथ ही अनंत फल की प्राप्ति भी आपको होगी। साथ ही साथ आपके जो भी धन कमाने की इच्छा है, धन संबंधी जो भी आपकी मनोकामना हो वे शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसीलिए दोस्तों इस खास मौके पर आप दुर्लभ संयोग में हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को अवश्य करें ताकि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि व शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सके और कभी भी आपको धन का अभाव ना हो। तो आइए जानते हैं कि कौन सा है वह उपाय जो आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों कभी जाने कभी अनजाने गलतियां किससे नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी गलतियां जो जाने अनजाने हमसे होती है यही हमारे पाप बन करके हमारे कार्यों में विघ्न और रुकावटें उत्पन्न करती है। दोस्तों इन्हीं सबसे मुक्ति पाने के लिए या फिर हमारे जीवन में आ रहे कभी ग्रह दोषों की वजह से जो समस्याएं आती हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए लोग विशेष तौर से भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। हमारे चैनल को छोड़िए यूट्यूब पर न जाने कितने चैनलों में न जाने कितने उपाय बताए जाते हैं। उनमें से कुछ असली होते हैं और कुछ नकली भी होते हैं, लेकिन आपको हमारे इस चैनल पर आप केवल और केवल अच्छे और जो कि आजमाए हुए उपाय हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं इस खास वीडियो में एक खास उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं। किसी भी सोमवार शिवलिंग पर चढ़ा दे, बस ये एक चीज हर मनोकामना हो जाएगी तुरंत पूरी। दोस्तों शिवलिंग पर कुछ खास चीज चढ़ाने से या फिर भोलेनाथ की पूजा करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को भोले कहा जाता है क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही भोले हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ को सहज चीजों से ही, भांग धतूरा जैसी चीजों से ही प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विशेष उपाय बता रहे हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपके सभी पापों का नाश होता है, आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, हर रुकावट दूर हो जाती है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग लिखते हुए आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। जहाँ शिवलिंग पर अभिषेक करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं शिवलिंग का पूजन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ाने वाली चीजों को हम अक्सर जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को या फिर अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए भोलेनाथ को अलग अलग चीजों से अभिषेक किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आपको शिव जी का, शिवलिंग का इस प्रकार से आपको अभिषेक करना चाहिए। इन उपायों को करने से जहाँ सभी समस्याओं का अंत होता है वहीं भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आप लंबे समय से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, धन की कमी से परेशान हैं, तो आप सोमवार के दिन लोटे में जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके शिवलिंग पर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे दोस्तों आपकी आय में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। दोस्तों अगर आप परीक्षा या फिर नौकरी के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आप दूध में थोड़ी सी मिश्री मिला करके भोलेनाथ को किसी भी दिन अर्पित करें या फिर उनका अभिषेक करें। इस उपाय को न केवल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्ति, न केवल नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले व्यक्ति, बल्कि सामान्य रूप से पढ़ने वाले व्यक्तियों को या बच्चों के लिए भी किया जा सकता है।
अगर बच्चे करने में समर्थ ना हो तो उनकी माताएं कर सकती हैं या उनकी बहनें कर सकती हैं। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है और वे व्यक्ति पढ़ाई में तेज हो जाते हैं। वे सभी बच्चे अब पढ़ाई में तेज होकर के अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में नोक झोंक तो चलती ही रहती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी नोक झोंक इतनी बढ़ जाती है कि वे गृह क्लेश का रूप ले लेती है। कभी कभी तो बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि तलाक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है तो आप एक लोटा जल के अंदर 5 बूंदे शहद की डालें और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसमें थोड़ा सा दूध डालें। ऐसा करके आप भोलेनाथ का अभिषेक करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर आप कोशिश करें, अगर आप संभव हो तो आप पति पत्नी दोनों जा करके अभिषेक करें, अन्यथा केवल एक ही व्यक्ति जा करके भी अभिषेक करें और अपनी इच्छा को भोलेनाथ से कहे कि मेरे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आए, सभी समस्याएं खत्म हो जाए। दोस्तों, ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याएं चली जाती हैं, दाम्पत्य जीवन में नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है और मधुरता आने लगती है। दोस्तों, अगर स्त्रियां ये उपाय कर रही हैं तो अपने पति से प्रेम प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना कर सकती हैं, जिससे कि दाम्पत्य जीवन और मधुर हो जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो व्यापार चलाते हैं। दोस्तों, अगर किसी के व्यक्ति के व्यापार में कमी आ गई है या फिर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है या फिर उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं व्यापार के कारण ही आई हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए एक विशेष उपाय है। दोस्तों, आप गन्ने के जूस में नींबू आदि न डलवाएं, ना ही नमक डलवाएं, सिर्फ गन्ने का जूस लेकर आए और उससे आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। दोस्तों, ऐसा करने से व्यापार में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं, व्यापार में आपको उन्नति देखने को मिलती है, व्यापार में सभी समस्याओं का अंत होकर के आपको दिन दुनी रात चौगुनी गति से पैसा ही पैसा आता नजर आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जय बजरंगबली।